आपको अगर पिछले किसी सप्ताह का शेयर में प्रॉफिट बुक किया तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए मेरे स्विंग कॉल से प्रॉफिट बुक किया तो उसका नाम बताइए और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग 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 मोबाइल ऐप व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ला में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस सप्ताह देखते हैं कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं मैं चार्ट पे दिखाऊंगा समझाऊंगा कि इस जगह पे बनता है इसके वजह से बनता है कारण बताऊंगा रीजन और विजन की चर्चा करूंगा ट्रेड लेना ना लेना वो आपके ऊपर है पैसा आपका है जिम्मेदारी आपकी बनती है याद रखिए आपका अपना कन्विक्शन हो तभी ट्रेड करें किसी के कहने पे मत लीजिएगा मेरे कहने पे भी नहीं जब तक कि आपका अपना उस पर हंड्रेड परसेंट कन्विक्शन ना आ जाए तब तक नहीं तो चलिए सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ है उसका नाम है सुपर हाउस क्यों सेलेक्ट किया सुपर हाउस क्या है इसमें हीरा चांदी सोना मोती क्या जड़ा हुआ इसमें सेलेक्शन रीजन समझेंगे हम लोग हाउस को। आप अगर हाउस का एक पे देखेंगे ना प्राइस तो आप देखेंगे और इस दो को ऊपर से थोड़ा सा लेके चलेंगे तो अब आप आ गया एक क्योंकि यहां से ये बाउंस कर गया था ठीक है इस जगह से ये बाउंस कर गया था तो एक दो और ठीक ये तीन और उसके बाद ये चार उसके बाद यहां पे बहुत बार है और यहां पे पांच तो टोटल पांच बार वो सेम जगह के आसपास से बाउंस किया है क्या किया है थ्री फोर यहां पर यहां पे बहुत बार है और यहां पे फाइव लगभग ठीक है तो पांच बार यहां से, से, से बाउंस किया तो आप एक चीज तो समझ में आ गया एक 190 पर ये दो साल से आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ना ये दो जून जु, जु, जुलाई 2022 के आसपास का है तो जुलाई 2022 से जुलाई 2023 और जुलाई 2023 से जुलाई 2024 दो साल से सेम जगह से बाउंस कर रहा है दो साल से भाई कम बात नहीं है बड़ी छोटा बात नहीं है दो साल से दो साल से एक ही जगह से ये बाउंस कर रहा है ये बाउंस कर रहा है तो एक बात ये बता रहा है कि ये वाला जो लेवल है हम इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है भाव आता है वन नाइनटी क्या रहा है एक सौ नब्बे रुपए का भाव हो गया ठीक है यानी ये क्या बोल रहा है कि एक सौ नब्बे के नीचे हम अभी जाने के मूड में नहीं है ओके तो इतना तो पता चल गया एक सौ नब्बे अच्छा सपोर्ट एरिया है ओके ठीक है अब हम यहाँ पर यह समझते हैं कि क्या आखिर दिख रहा है इसमें तो आप देखिएगा ठीक उसी तरह से ऊपर से भी एक बार यहां और दो बार यहां अगर देखा जाए और तीसरा बार उसी लाइन को हम नीचे आते हैं तो पता चलता है अरे ये तो पुल बाइक थ्योरी ये तो बाउंस बैक में जा रहा है देखिए ध्यान से ये रेजिस्टेंस एरिया था ये रेजिस्टेंस एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया और ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एरिया एरिया और ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट ऊपर गया गया उछले बॉल नीचे गिरा फिर बाउंस बाउंस कर अब करके रिक्लेम कर रहा है इस एरिया को जिसके ऊपर ये जाने का कोशिश किया था जा नहीं पाया था जो कि इसका पुराना यहां पर हंडल है ठीक है ये दोबारा से उस एरिया को ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है बाउंस बैक थ्योरी से क्या कर रहा है वन टू यहां पर आया आया नीचे वापस ये बाउंस कर रहा है अगर इस एरिया को ऊपर निकालता तो वो बाउंस बैक थ्योरी फिट बैठ जाएगा पहली बात तो ये हो गया दूसरा बात है जब इसी पैटर्न को आप थोड़ा सा और भी रूप से देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक पैटर्न भी नजर आ रहा है यहां पर नहीं आ रहा है कौन सा ट्रायंगल पैटर्न था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न उसका यह ब्रेकआउट कर गया ब्रेकआउट करके रिक्लेम भी कर लिया देखिए रिक्लेम जब कोई स्टॉक करता है ना तो वो काफी कन्विक्शन पावर दिखाता है तो कैसे रिक्लेम किया आप यहां पे देखिए

जो कि लीडिंग इंडिकेटर होता है एमएससीडी वगैरह तो उसको जरिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो क्या पता चलता है कि ये एमएससीडी जो है ये क्रॉस ओवर तो अभी कर लिया ताजा ताजा क्रॉस ओवर कर रहा है ताजा ताजा एकदम फर्स्ट क्रॉस ओवर हो चुका है यहाँ पर यानी कि लीडिंग इंडिकेटर जो एम एस एम एस सी है वो भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाने का बताने का समझाने का कोशिश कर रहा है क्लियर हो गया चलिए अगर इसके अलावा भी आप देखेंगे कोई और इंडिकेटर तो मूविंग एवरेज अगर 926 तो ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है फिफ्टी हंड्रेड तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी आप चाहे 50 एम मूविंग एवरेज को देखे 100 का देखे 9 का देखे 26 का देखे ये हर मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है तो बेसिकली टेक्निकल चार्ट पर और साथ ही अगर देखा जाए मूविंग एवरेज और प्राइस के हिसाब से तो ये एक ब्रेकआउट देने को तैयार है

One और दो सौ पैंतालीस से दो सौ साठ रूपए से 260 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है तो ये सेकेंड स्टॉक की तरफ और मैं आपको बताता हूं देखिए कमेंट करके जरूर बताइए आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का, का काम करता है और दूसरा स्टॉक जो है वो है गीके वायर्स क्या है गीके वायर अब गीके वायर का सिलेक्शन रीजन देखिए देखते के साथ समझ में आ गया इसमें ज्यादा बताना ही नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि ब्रेकआउट करके कर गया। करा तो गया। लेकिन आप यहां नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप एक वॉल्यूम को कॉन्सल्टेशन एरिया में देखेंगे लेकिन आज अगर देखते हैं इस कैंडल के साथ में तो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है क्या हो गया वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया तो सेमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है पहली बात ये अब इसी रेंज के आसपास मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो यहां पर ये स्टॉक एक रेंज रेंज में 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 फंसा हुआ था था है ना उसी के ट्रेंड लाइन अंदर ट्रेड में कर रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो ये इसके बाद दो रजिस्टेंस हो गया एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गया यहाँ पे रजिस्टेंस था ये रजिस्टेंस ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस था कंटिन्यू फॉल था अब ये ट्रेंड लाइन को ये तोड़ दिया तो एक रजिस्टेंस तो गया लेकिन ये बॉक्स का भी बचा हुआ है इसके ऊपर अगर ये निकल के सस्टेन कर जाए क्लोज कर जाए तो दूसरा ब्रेकआउट हो जाएगा तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बॉक्स और ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ के वजह से इसको सेलेक्ट किया गया इसका भी अगर आप आरएसआई देखते हैं तो 62 के आसपास 60 पर ट्रेड कर रहा है एमएससीडी देखेंगे तो ऑलरेडी काफी अच्छे मूवमेंट में आपको नजर आ रहा होगा एमएसीडी देखिए जबरदस्त पहले से है और जीरो के ऊपर अब जाने को तैयार हो रखा है तो इसका मतलब है क्या मूवमेंट बहुत ही बढ़िया बन सकता है आप चाहे नाइन ट्वेंटी का मूविंग एवरेज देखे फिफ्टी हंड्रेड का देखे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो इंडिकेटर वाइज भी ये पॉजिटिव लग रहा है टेक्निकल वाइज भी ये पॉजिटिव लग रहा है और पैटर्न वाइज भी ये पॉजिटिव लग रहा है गीके वाइस इस पर एंट्री बनेगा ऑन वही क्लोजिंग बेसिस पर कि दो तरीके से पहली बात कि अगर ये 98 यानी कि अपने प्राइस तो लेकिन अगर ये इंट्री किया और ये नाइन पर, पर तो इसका है 94, तो 94 पर आपको क्वांटिटी एड करना पड़ सकता है तब ये वाला मेथड होगा वन टू और फिर यहां से यह बाउंस कर सकता है ठीक है तो इस एरिया पर आपको क्वांटिटी एड करना पड़ सकता है तो एक तो ये प्रोसेस ये हो गया सेकेंड कि पहले ही ये नीचे आ जाए पहले ही ये 94 के आसपास आ जाए तो पूरी क्वांटिटी यहां पे नहीं लेंगे लेंगे यहां पे भी लेकिन पूरी क्वांटिटी यहां पे मैं नहीं लूंगा जैसे सौ क्वांटिटी लेना है तो बीस तीस क्वांटिटी यहां पे लूंगा और बाकी क्वांटिटी जो ये मेन रजिस्टेंस पर एड कर दूंगा बात समझ में आ गया पहले ही अगर ये नाइन्टी पर आ जाता है नाइन्टी फोर तो सम क्वांटिटी यहां पे डालेंगे बाकी क्वांटिटी 98 को जब ये ग्रेटर देन करेगा क्लोजिंग बेसिस पे तब वहां पर एड करेंगे तो ये दो तरीके हैं

पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करें फीडबैक करें और पिछले किस सप्ताह का शेयर में आपने पोजीशन बनाया था प्रॉफिट बनाया था किस वीकली स्विंग कॉल्स में प्रॉफिट बनाया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका कमेंट ही मेरे लिए दवाई है मोटिवेशन है मेडिसिन है सब है ठीक है तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद